तो यार दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में ये बहुत ही छोटा सा गियर मोटर है जिसको कि मैंने लोकल मार्केट से सिर्फ 40 रुपये देकर खरीदा हूँ। और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदने के लिए चाहते हो तो इसका ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसको खरीद सकते हो। तो ये मोटर के अंदर क्या होता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि देख सकते हो ये हमारा एक छोटा सा सिंपल मोटर दिया जाता है जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार की मोटर होता है। और ये मोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है आप लोग को पता होगा, लेकिन ये जो हमारा गियर मोटर होता है यहाँ पर गियर लगे होने के कारण इसका जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, लेकिन इसका जो पावर होता है यानी कि इसका टॉर्क होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला गियर मोटर में इसका स्पीड बढ़ता है, इसका टॉर्क बहुत ही कम होता है। तो ये डिफरेंस इन दोनों मोटर में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको निकाल कर देखेंगे कि इसके अंदर कैसे गियर सेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको चला के देख लेते हैं बैटरी से, जो गियर मोटर होता है ये हमारा किस प्रकार से चलता है। तो मैंने यहाँ पर हमारा 3.7 वोल्ट बैटरी को ले लेता हूँ और यहाँ पर इसका दोनों वायर को लगा लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये मोटर हमारा किस तरीके से घूम रहा है, बहुत ही स्लोली स्लोली ये मोटर हमारा घूम रहा है, आप लोग को वीडियो में पता चल रहा होगा। तो इस मोटर का साउंड मैंने आपको सुना देता हूँ। तो यार दोस्तों मैं इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता चल चुका है कि ये मोटर हमारा कितना स्पीड से घूमता है और इसका साउंड कितना होता है। तो चलिए अब हम इसको निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैटरी को साइड में रखता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों स्क्रू दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों स्क्रू को हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों स्क्रू को इसके अंदर से निकाल लिया हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की कवर होता है प्लास्टिक का, इसको हम अभी निकाल लेंगे। तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे ताकि यहाँ पर जो गियर होता है वो हमारा सेफली इसके अंदर हमें मिल जाए, नहीं तो गियर वगैरह टूट सकता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऊपर की कवर को निकाल दिया हूँ, मैंने आपको फोकस करके इसको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो इसके अंदर कैसे होल किया गया है और इसके अंदर कैसे सब कुछ, यहाँ पर जो येल्लो कलर की आप मटेरियल देख रहे हो ये हमारा ग्रीज है जो कि हमारा गियर को मूव करवाने के लिए आसान करता है। और ये थोड़ा सा ऑयल टाइप का होता है जिसकी वजह से गियर हमारा अच्छी तरीके से मूव करता है। तो ये इसका ऊपर की ढक्कन हो गया। तो इसका अंदर के पार्ट्स कैसे होता है मैं आपको अभी वीडियो से नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर लगभग 1, 2, 3, 4, 5 गियर लगा हुआ है। और ये जो बड़ा वाला गियर आप लोग देख रहे हो ये हमारा मोटर की शाफ्ट है। तो इसको अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारा देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये बड़ा वाला गियर को निकाल दिया हूँ जो कि हमारा मोटर की शाफ्ट होता है। तो सभी गियर को मैं निकालता हूँ, एक गियर निकल चुका है और दूसरा गियर को चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 गियर निकल चुका है। तो अभी हम इस मोटर को निकालेंगे। तो देख सकते हो ये हमारा सिंपल मोटर है जैसे मैंने आपको वीडियो की पहले में बताया था। और यहाँ पर ये हमारा लास्ट गियर है तो इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक शाफ्ट दिया गया है जो कि यहाँ पर फिक्स हुआ है। तो इस गियर को आप चाहो तो अपने घर पर बना सकते हो अगर आपको ये छोटे छोटे गियर्स मिल जाए और ये मोटर मिल जाए। अगर ये छोटे गियर और मोटर नहीं मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा लिया कि ये जो हमारा गियर मोटर होता है इसके अंदर क्या क्या सब कुछ पार्ट्स लगा हुआ होता है। तो आप लोगों को तो वीडियो से पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।